बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पहले 4 लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 से हमने पहले 10 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अगर अभी तक बेटा आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को जाकर ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और मैथमेटिकल इंडक्शन को आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 अप टू सोन 1/n × n+1 इक्वल आपने प्रूफ करना है 1/1 − 1 − 1/n+1 के इक्वल है। जैसा कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन के पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि इसमें हम यहाँ पर चंद एक स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो आपको गिवन क्वेश्चन होता है इसको हम SN यानी स्टेटमेंट फॉर पॉजिटिव इंटीजर n का नाम दे देते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि let SN be the given statement। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है इसका नाम हमने SN रख लिया। देन आप अपने इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिख लोगे SN, यही दोबारा क्वेश्चन आपने सारा लिखना है 1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस अप टू सोन 1/n × n+1 इक्वल टू 1 − 1/n+1। इस सारे क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया और SN इसका नाम रख लिया, इतना किया हमने। अब यहाँ पर मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दूँगा। अब हमने ये चेक कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाई है हमने, यानी ये जो स्टेटमेंट आपकी, क्या ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है या फॉल्स है। एक्चुअली आप जानते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम दिए हुए फार्मूले को, दी हुई स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि वो दुरुस्त है या गलत है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि इस सारी सीरीज़ का सम ये इसके बराबर है। तो अब इस सीरीज़ का सम इसके बराबर साबित करने के लिए पहले हम इसका नाम SN रख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम स्टेप नंबर 1 करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि स्टेप नंबर 1 में आपने ये करना होता है, पुट n = 1 इन क्वेश्चन नंबर 1। ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें n की जगह 1 पुट कर दें, तो n की जगह 1 आप यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे और इसकी राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करने का मतलब है इसकी पहली वैल्यू का जो आंसर है, पहली टर्म का जो आंसर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर इसका आंसर बनेगा 1/1 × 2 डैट इज़ 1/2। ये इसका n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड में भी आपने बेटा n की जगह 1 पुट करना, तो राइट हैंड साइड ये सारी है, तो इसमें भी n की जगह 1 पुट करते हैं, तो राइट हैंड साइड आपके पास है 1 − 1/n+1। इसमें n की जगह आप यहाँ पर 1 पुट कर दें, या देगा 1 − 1/1 + 1 डैट इज़ 1/2। अब यहाँ पर 1 में से 1/2 निकाल दें, कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों आंसर क्या हैं, इक्वल आ गए। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस S1 is true लिख लें, या आप लिख सकते हैं हैंस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1। हैंस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1। S1 का मतलब स्टेटमेंट फॉर n = 1, ठीक है। तो इतना लंबा ना लिखें, बस इतना लिख दें हैंस S1 इज़ ट्रू। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में बेटा आप कुछ ऐसा करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम ये कहते होते हैं कि सपोज डैट
suppose that statement is true for n equal to k. आप ये बात मान लें कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो n equal to k के लिए दुरुस्त है. अब n equal to k के लिए ये बात दुरुस्त होने का मतलब ये होता है कि आपने अपने इस क्वेश्चन में, यानी ये जो स्टेटमेंट नंबर वन मैंने रखी है ना, क्वेश्चन नंबर जो वन रखी थी, इसको सारा लिखना है मुकम्मल ऐसे ही, लेकिन जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर k लिख लेना है. यानी दोनों तरफ आपने n की जगह k लिख कर उसको सपोज कर लेना है कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है. यहाँ पर आपने प्रूफ किया था कि लेफ्ट और राइट बराबर साबित किया है कि बराबर आई है या नहीं आती. यहाँ पर n की जगह k रख कर आप मान लेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल है. ठीक है, ये यहाँ पर होगा इसका n इक्वल टू k का मतलब. तो यानी कि यहाँ पर जब आप n की जगह k पुट करोगे, यह आ जाएगा एस के 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 अप टू सोन 1/, यहाँ पर n की जगह क्या लिखना आपने, k. तो k प्लस 1 हो गया इक्वल टू 1 − 1/k + 1. यहाँ पर भी n की जगह क्या लिख दिया, k प्लस 1 आपने लिख दिया. क्लियर होगी बात. ये इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 सपोज कर लेंगे यहाँ पर. ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी दुरुस्त है. यानी ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है ना आपको, यानी कि जो 1 हमने बनाया है, ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी बात ये दुरुस्त है. पहले n इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं कि ये बात दुरुस्त है. अब k से अगला नंबर होता है k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए हम साबित करते हैं. तो स्टेप नंबर अब 3 आपका शुरू हो जाएगा. स्टेप नंबर 3 में अब आपने ये शो करना है, नेक्स्ट वी विल शो डैट, ये आप लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट वी विल शो डैट statement is also true for n equal to k plus 1. नेक्स्ट अब आपने ये मान लेना है कि ये बात n equal to k plus 1 के लिए क्या है, दुरुस्त है. अब n equal to k plus 1 के लिए दुरुस्त होने का मतलब ये होता है कि बेटा अब आपने एक ऐसा नंबर तलाश करना है, एक नंबर की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों तरफ आपने पुट करना होता है. और वो नंबर कैसे निकलता है, ये जो आपके पास आखिरी वैल्यू है ना इसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की जो आखिरी वैल्यू है यहाँ पर, इसमें n की जगह k प्लस 1 पुट करके वो नंबर तलाश करना है. ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप वो ज़रा देखें बाद मेरी. मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये काम करना है रफ वर्क में यहाँ पर. और क्या काम रफ वर्क में करना है आपने, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी नंबर नज़र आ रहा है ना 1/(n)(n+1), इसमें आप ज़रा पुट करके देखें रफ वर्क में आपने करना है. पुट n इक्वल टू k प्लस 1 यहाँ पर पुट करें इसमें इन 1/(n)(n+1). और ये जो नंबर हम तलाश कर रहे हैं ना, ये रफ वर्क में कर रहे हैं सारा काम ये आपने. ठीक है, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा बकायदा. पुट n इक्वल टू, आपने डायरेक्ट यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 पुट करके देख लेना क्या आंसर आता है. तो ये क्या आंसर बनेगा, n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1. यहाँ पर भी अब अगला क्या है, यहाँ पर भी n है, k प्लस 1, फिर क्या है, प्लस 1. तो ये क्या बन जाएगा, 1/(k+1)(k+2). तो ये नंबर जो आया ना अब आपके पास k+1 × k+2, इस नंबर को आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 के ना लेफ्ट और राइट दोनों पर ऐड कर देना, दोनों तरफ, ये कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद, यहाँ पर इस स्टेप के बाद अगली लाइन आपने ये लिखनी होगी, एड बाय एडिंग 1/(k+1)(k+2) ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2. तो ये आपके पास यहाँ पर 2 है, इसके दोनों तरफ ये वाला नंबर आप ऐड कर दें. फिर आप दोनों तरफ ये नंबर ऐड करोगे ना तो ऐसे बन जाएगा. ये जरा देखें, पहले ये सारी चीज़ लिखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगा मैं, यानी कि 1/(1)(2) प्लस 1/(2)(3) प्लस 1/(3)(4) अप टू सोन
वन ओवर के इंटू के प्लस वन। अब यहाँ पर ये रकमें ख़त्म होगी ना, अब रकमें ख़त्म होगी तो इसके बाद अब आपने ये वाला नंबर ऐड कर देना है, वन ओवर के प्लस वन इंटू के प्लस टू। ये कितना ऐड किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में। अब यही नंबर आपने राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है, तो राइट हैंड साइड क्या है, वन माइनस वन ओवर के प्लस वन, इसमें प्लस कर दिया आपने ये वाला नंबर, वन ओवर के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब बेटा अब आपने करना ये होता है कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ना ये वाली, ये एज इट इज नीचे उतारते रहेंगे, राइट हैंड साइड को भी आपने साथ साथ सोल्व करते जाना है, यानी कि इसका इस सारी का आंसर निकालना, ये तो ये इसको इसको सोल्व करना बाप ने, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे बाप। अब इसको सोल्व करने के लिए एक टेक्निक ये है कि आप जस्ट यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे, लेकिन ये फैक्टर जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, के प्लस वन के प्लस टू, उतना कोई लेंथी तो नहीं हो जाएगा, खैर ये आप ऐसे करें कि यहाँ से ना ये वाला फैक्टर वन ओवर के प्लस वन कॉमन निकालें ज़रा, तो ये कॉमन निकालेंगे, ये माइनस वन ओवर के प्लस वन कॉमन निकाला तो यहाँ क्या रह गया वन, ये माइनस यहाँ पर भी कॉमन आया तो यहाँ क्या रह गया वन ओवर के प्लस टू। क्लियर होगी बात ये। अब इसका आप एलसीएम ले लें। ले बेटा ये स्टेप मैंने ज़रा दोबारा एक मरतबा फिर अगले पेज पर लिख लिया आपके लिए, ठीक है। आप भी इस तरह किया करें, जब लास्ट पेज से अगले पेज में जाएं तो पिछला स्टेप जो है ना वो दोबारा नोट कर लिया करें आगे, इस तरह गलती के चांस कम हो जाते हैं। अच्छा खैर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो अब आप ऐसे करें, यहाँ पर ये मैं बता रहा था कि आप इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा के प्लस टू माइनस वन ओवर के प्लस टू। ये बेटा के प्लस वन रह जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा वन माइनस वन ओवर के प्लस वन, ये टू माइनस वन कितना रह जाएगा वन, तो के प्लस वन ओवर के प्लस टू रह जाएगा, ठीक है। अब ये के प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा बाकी आपके पास वन माइनस वन ओवर के प्लस टू। अब यहाँ पर फाइनल फिर आप एक मरत दोबारा एलसीएम लें, के प्लस टू दोबारा एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा के प्लस टू माइनस वन, तो ये आपके पास रह जाएगा के प्लस वन ओवर के प्लस टू। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा, ठीक है। अब ये जो आपने आंसर निकाला है इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या कह देते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। अब यही आपने आंसर दोबारा निकालना होता है, ठीक है। अब आपने आखिरी स्टेप ये करना होता है कि यही आंसर दोबारा लेके आना है, और ये आंसर कहाँ से दोबारा लेके आएंगे, अब आपकी ये जो क्वेश्चन नहीं है आपका गिवन, आपका क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन ने क्वेश्चन नंबर ये जो आपके गिवन क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है ना, इसमें एन की जगह आपने के प्लस वन पुट करना है, तो इसमें एन की जगह दोबारा के प्लस वन पुट कर दें, ठीक है। मैं लिखूँगा पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन इन राइट हैंड साइड ऑफ वन, ठीक है। यानी कि अगर अगला आपने स्टेप ये करना है, नेक्स्ट पुट एन इक्वल टू के प्लस वन इन राइट हैंड साइड ऑफ वन, वन की राइट हैंड साइड में आप दोबारा इनकी जगह के प्लस वन पुट करेंगे, तो वन की राइट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड आप मेंशन करें, इस तरह लिख लें, और राइट हैंड साइड ये है हमारे पास वन माइनस वन ओवर एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अब आप एन की जगह क्या पुट करोगे, एन की जगह क्या पुट करेंगे, के प्लस वन, ये तो ये आ गया के प्लस वन, फिर प्लस वन, ये आ गया वन माइनस वन ओवर के प्लस टू। तो ये देखें यही चीज़ बन गई है आपके पास, ये सेम आ गई ना, आगे आप इसका बस एलसीएम ले लेंगे तो ये दोबारा फिर आपके पास बन जाएगा के प्लस वन ओवर के प्लस टू, इसे आप फोर कह देंगे। हैंस फ्राम थ्री एंड फोर वी कैन ऑब्जर्व डैट कि गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, लिहाजा थ्री और फोर से हम ये देख सकते हैं कि आपकी गिवन स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी दुरुस्त है। तो अब इस सारी बात को आप ऐसे लिखोगे, हैंस एस के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर एस के इज ट्रू, मतलब ये जो सारी बात मैंने लिखी है इसका मतलब ये है कि लिहाजा आपकी जो स्टेटमेंट है एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए दुरुस्त है, जब स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू के लिए दुरुस्त थी, ठीक है। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आखिरी लाइन आपने लिखनी होती है, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन
गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। लिहाजा आपकी गिवन स्टेटमेंट तमाम एन बिलोंग टू एन के लिए दुरुस्त है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात दुरुस्त है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर बेटा हम ऐसे ही करेंगे। आपने सबसे पहले यही लिखना होता है, लेट एस एन बी दी गिवन स्टेटमेंट, दिए हुए क्वेश्चन का नाम आप जानते हैं, आपने क्या रख लेना होता है एस एन। सो अब आप ये सारा क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिख लो कोई एस एन 1/3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 अप टू सोन 1/2n-1 2n+1 इक्वल टू n/2n+1। इसे आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम 1 कह देंगे। ऐसे ही है ना बेटा, स्टेप नंबर 1 में आपने ये चेक करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट है n=1 के लिए दुरुस्त है या गलत है। तो आप लिखोगे पुट n=1 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा, आप जानते हैं n=1 का मतलब है इसकी पहली वैल्यू। तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3, डैट इज़ 1/3। और इसकी जो राइट हैंड साइड है उसका, उसमें आपने इसमें अब n की जगह 1 पुट कर देंगे, आ जाएगा 1/2 × 1+1 2 × 2 और 2+1 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया एक जैसा। एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो S1 इज ट्रू। यानी स्टेटमेंट जो है वो n=1 के लिए दुरुस्त हो गई। स्टेप नंबर 2 में आप जानते हैं, आप लिखते हैं सपोज डैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k। आपकी जो स्टेटमेंट n=k के लिए दुरुस्त है, और k क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, के बिलोंग टू एन, ये भी लिख दें तो बेहतर है, ना भी लिखें तो खैर, पहले मैंने नहीं लिखा अभी तक क्वेश्चन में, आप लिख दें बेहतर है, ना लिख नहीं भी लिखें नो प्रॉब्लम। अच्छा, सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k। तो अब आप जानते हैं इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर के पुट करना होता है, और हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो 1 है इसमें जब एन की जगह हम के पुट करते हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है, ये हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तमाम क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा है। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है तो तमाम क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ले जी, एन की जगह के पुट कर दिया, ये आ गया k/2 × k+1। यहाँ पर भी एन की जगह के पुट कर दिया, इधर भी एन की जगह के पुट कर दिया, इसे मैं कह दूँगा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आपने ये चेक करना होता है स्टेप नंबर 3 में कि नेक्स्ट वी विल शो डैट द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n=k+1। नेक्स्ट वी विल शो डैट, स्टेप नंबर 3 अब आपका ये स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वी विल शो डैट स्टेटमेंट
इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। अब ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी दुरुस्त है, ये अब आपने शो करना है, ठीक है। कब दुरुस्त है? वेन एवर एस के इज ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए जब दुरुस्त होगी तो फिर स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी दुरुस्त होगी। अच्छा, अब आपने आप जानते हैं कि यहाँ पर अब आपको नंबर चाहिए, ठीक है, जिसको आपने क्वेश्चन नंबर टू के दोनों साइड पर ऐड करना है। और नंबर कैसे आंसर करते हैं बेटा? ये जो क्वेश्चन नंबर वन की ये जो आखिरी वैल्यू है, इसमें एन की जगह क्या पुट करना है आपने? के प्लस वन। तो यहाँ पर एन की जगह के प्लस वन आप पुट कर देंगे तो फिर जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर को आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर टू में ऐड कर देंगे। ये इसकी आखिरी वैल्यू, इसमें एन की जगह के प्लस वन पुट करें, पुट n इक्वल टू k प्लस वन हेयर, तो ये आ जाएगा वन ओवर टू इंटू के प्लस वन माइनस वन, टू इंटू के प्लस वन प्लस वन। तो ये आपके पास नंबर क्या बन जाता है देखें ज़रा, टू के प्लस टू, प्लस टू और माइनस वन, टू के प्लस वन रह जाएगा, और ये आ जाएगा टू के प्लस थ्री। तो ये वाला नंबर आपने बेटा इक्वेशन नंबर टू के लेफ्ट और राइट दोनों में ये वाला नंबर ऐड करना है आपने, ठीक है। तो आप लिखोगे बाय एडिंग वन ओवर टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ टू, टू की दोनों तरफ ये वाला नंबर ऐड करने से। तो अब ये दोनों तरफ आप ये नंबर ऐड कर देते हैं हम। ले बेटा जी, ये मैंने क्वेश्चन नंबर टू को दोबारा नेक्स्ट पेज पर लिख लिया, इसमें अब ये वाला नंबर जो मैंने अभी आपको बताया था वो वाला ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ, और नंबर था हमारे पास टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया, और ये नंबर आपने इसकी राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाता है? वन ओवर टू के प्लस वन। तो आप यहाँ से वन ओवर टू के प्लस वन कॉमन निकाल लें, ये चीज़ तो ऐसे ही एज इट इज चलती जाएगी, इसको सॉल्व करना है अब आपने, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना होता है जहाँ पर ऐड करते हैं ना। अच्छा खैर, यानी कि ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप यहाँ से वन ओवर टू के प्लस वन बेटा कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ रह जाएगा के और यहाँ रह जाएगा वन ओवर टू के प्लस थ्री, ठीक है। यहाँ पर अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, वन ओवर टू के प्लस वन इन टू, ये एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा टू के का स्केयर प्लस थ्री के प्लस वन ओवर टू के प्लस थ्री, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब ये जो ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपकी बनी है, इसके अगर आप पेयर बना सकते हैं तो पेयर बनाएं, टू के प्लस वन इन टू, क्या पेयर बनेंगे इसके? टू के का स्केयर प्लस टू के प्लस वन ओवर टू के प्लस थ्री, क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब इन दोनों में से ऊपर क्या कॉमन आता है? क्या कॉमन आएगा? यहाँ से टू के कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा? के प्लस वन, और इन दोनों में से आखिरी दो वैल्यूज में से क्या कॉमन आया? वन, तो बाकी क्या रहेगा? के प्लस वन ओवर टू के प्लस थ्री। तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा वन ओवर टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन इंटू के प्लस वन ओवर टू के प्लस थ्री।
यहाँ से 2k+1, ये 2k+1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, k+1/2k+3। इसे हम जानते हैं, आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यही क्वेश्चन नंबर 3 आपने दोबारा लेके आनी है। जब आप अब क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, ये वाला जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें यहाँ पर n की जगह दोबारा हम k+1 पुट करेंगे इसकी राइट हैंड साइड में, 1 की राइट हैंड साइड में। यहाँ पर यही वाला n जो k+1 पुट करते हैं ना, देखो n=k+1 पहले पुट करते हैं ये 1 में, इस आखिरी नंबर में वो जो नंबर बनता है उसको 2 में दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। क्लियर होगी बात ये। अब यही n=k+1 दोबारा फिर 1 में पुट करना, लेकिन अब किस में पुट करना है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के इस में, ठीक है। फिर बात गौर से सुनिएगा, पहले ये वाला नंबर n=k+1 कहाँ पुट किया आपने, 1 की ये वाली साइड में जहाँ पर आपको n वाली रकम नज़र आ रही है, यानी आखिरी। फिर अब यही n=k+1 दोबारा कहाँ पुट करना है, 1 की ये राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपने, ठीक है। तो दोनों नंबर का पुट आपने 1 में ही करना होता है, ठीक है। आप राइट हैंड साइड में 1 में पुट करना है आपने n=k+1, और आंसर ये लेके आना अब आपने, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पर पुट n=k+1 इन राइट हैंड साइड ऑफ 1 की राइट हैंड साइड में ये वाला नंबर अब आप पुट कर दें। तो 1 की राइट हैंड साइड क्या है, 1 की राइट हैंड साइड हमारे पास है n/2n+1, ठीक है। तो इसमें आप ये नंबर पुट करें ना, जरा n की जगह क्या पुट करना है, k+1/2 × k+1+1, ये बन जाएगा k+1/2k+2+1, ये आ जाएगा k+1/2k+3। इसे आप कह दें क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखें ये फ्रॉम 3 और 4 क्या रिजल्ट निकलता है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 3 और 4 वी कैन ऑब्जर्व डैट बोथ आर सेम, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर सेम सो द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n=k+1। तो अब यहाँ पर अब आपने ये लिखना है, फ्रॉम 3 और 4 वी कैन ऑब्जर्व डैट sk+1 यानी स्टेटमेंट फॉर n=k+1 इज ट्रू, ये ट्रू है कब, वेन एवर जब sk इज ट्रू, जब आपकी स्टेटमेंट n=k के लिए दुरुस्त थी, दुरुस्त sk के लिए, sk कौन है, sk आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 बनती है उसी को हम लेके चलते हैं ना। तो जब मैंने क्या लिखा, फ्रॉम 3 और 4 वी कैन ऑब्जर्व डैट, 3 और 4 से मेरा नतीजा निकला कि ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये sk+1 जो है वो ट्रू होगी व्हेन यूवर sk इज ट्रू, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n, यानी तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपकी जो स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो ये बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें।